डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, डाइट का ही रोल रहा है इसमें बहुत ही ज्यादा। तो मैं आपको बताता हूं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, मेन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो गाइस हमें सच बताऊं, पता नहीं होता कि किस टाइम पे इसको कंज्यूम करना है ताकि जो बेनिफिट्स है वो मैक्सिमम मिल सके। तो ये अगर आप सही ढंग से कंज्यूम करोगे, इसको अडेप्ट करोगे, तो आधा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वही हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट लेने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ डाइजेशन है वो फास्ट होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आपको थ्रू आउट द डे लेना है। जैसे अगर आपने कैलकुलेट कर लिया कि इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मुझे चाहिए, पर क्या एक बार में ही उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आप कंज्यूम कर लोगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए? आंसर होगा नो। आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में थ्रू आउट द डे लेना है मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। फैट की अगर हम बात करें गाइस, फैट कभी भी प्री वर्कआउट के टाइम पे मत कंज्यूम करना। रीजन बीइंग, फैट डाइजेस्ट करने में बॉडी का फोकस ज्यादा होता है। तो क्या होगा, आप वर्कआउट करने जाओगे, इवन दो आपने कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट भी ले रखा है, बॉडी का पूरा फोकस पता है कहाँ जाएगा? फैट को डाइजेस्ट करने में, ना कि आपको एनर्जी देने में, मतलब जो आपने प्री वर्कआउट लिया है। सो गाइज, ये जो तीन मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अगर इसको आपने ढंग से कंज्यूम किया ना, तो मैं कह रहा हूं आधे प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वही हो जाता है। बाकी अपने नॉर्मल रूटीन में भी आप हमेशा ये देखें कि आप हेल्दी खा रहे हैं। आप कभी भी ना मैदा और जंक फूड ये सब अगर कंज्यूम करोगे और सोचोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है, थोड़ा मुश्किल है गाइस, झूठ नहीं बोलूंगा।